आज का शिरडी साई संदेश डर डर के मत जियो ना किसी के साथ गलत करो ना गलत सहो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आपने उसे चुपचाप सहन कर लिया तो ये बात पक्की नहीं है कि वो वापस आपके साथ वो चीजें नहीं होंगी क्योंकि जब उस चीज को चुपचाप आप सहन कर लेते हो आप सामने वाले को और हिम्मत दे देते हैं इसलिए वो चीजें दूर तो नहीं होंगी बाकी बढ़ावा जरूर मिल जाएगा अपने और दूसरों के बीच में एक रेखा जरूर खींच के रखो जिसे कोई भी पार ना कर पाए अगर किसी ने उस सीमा को पार करने की कोशिश करी तो समझ लेना कि आपको उस वक्त अपने लिए आवाज़ उठाना अनिवार्य है नहीं तो हर कोई आपका फायदा उठाता चला जाएगा जीवन में इसलिए अपने लिए अगर आप आवाज़ उठाते हैं या अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होते हैं तो आप घबराइए मत कि आप अहंकारी हैं या आप किसी का दिल दुखा रहे हैं जब जीवन में कोई आपके हित के लिए नहीं खड़ा होता तो अपने लिए इंसान को आवाज़ उठानी ही पड़ती है इसमें कोई बुराई नहीं है याद रखना मेरे बच्चों जब जीवन की किसी परिस्थिति में तुम फंस जाते हो या बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होता तो एक शक्ति है जो अदृश्य शक्ति है जो वो परमात्मा की शक्ति है जो हर पल तुम्हारा साथ दे रही होती है जो तुम्हें हर पल हिम्मत दे रही होती है ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए इसलिए कभी घबराना मत बस सब्र रखना और धैर्य बंधा कर रखना वो सबकी सुनता है जो हुआ वो भी ठीक हुआ और जो होने वाला है आगे वो अच्छा ही होने वाला है उसने तुम्हारी सुन ली है कौन है जो सुनता है उसके सिवा कौन है जो रहम करता है उसके सिवा वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता कभी हाथ नहीं छोड़ता उसका वो सुन रहा है तुम्हारी भी, उसने सुन ली है मेरे बच्चों तुम सब्र तो करो मायूस क्यों होते हो क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है अपने रब की रहमतों का वो तो एक ही क्षण में तकदीर बदल देता है तुम सब्र तो करो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली खुशियों का रास्ता ये सब्र ही है मुश्किलें जीवन में जो आती हैं वो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती है और साथ ही तुम्हें मजबूत बनाकर ही जाती हैं। जैसे अंधकार के बाद उजाला आता है वैसे ही अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की नई सुबह आने वाली है इस त्योहारों के समय मेरा आशीर्वाद तुम्हें सुकून और सुख देगा जिसके तुम सच्चे हकदार हो मेरे बच्चे तुमने अपने संघर्षों में जो सहनशीलता धैर्य दिखाया है वह तुम्हें आगे और बड़ी उपलब्धियों और खुशियों की ओर ले जाएगी इन आने वाले त्योहारों में तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी जब तुम अपने भीतर सच्चाई प्रेम और धैर्य को स्थान दोगे तो खुशियाँ खुद ब खुद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी बस अपने मन को साफ रखो अपने मन को कभी भी किसी प्रकार की गंदगी से मत भरना इस त्योहार पर मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन सदा आनंद और समृद्धि से भरा रहेगा तुम्हारे पर घर परिवार में आदर सम्मान बढ़ेगा तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर देने का समय भी आ गया है जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो उसका उत्तर तुम्हें जरूर मिलता है परंतु सही समय पर कभी कभी तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है इंतजार करना पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हें उस आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा होता हूँ जो चीज अभी नहीं मिली वह केवल इसलिए नहीं मिली क्योंकि सही समय अभी नहीं आया धैर्य रखो मेरे बच्चों विश्वास रखो और देखो कैसे मेरी योजना तुम्हारे लिए काम करती है तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होती है तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाती है और उसका उत्तर तुम्हें भले के लिए ही आता है मेरी मर्जी पे भरोसा रखो मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे उपयुक्त होगा सबसे बेहतर होगा याद रखो मैं तुम्हें बेहतर नहीं बेहतरीन देना चाहता हूँ इसलिए मेरी योजना पर पूरा भरोसा रखो एक न एक दिन तुम्हें वो मिलेगा जिसका कि तुमने अंदाजा तक नहीं लगाया होगा मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा जीवन में बस मुझ पर धैर्य रखकर भरोसा रखो और जिन रिश्तों ने तुम्हारे कठिन वक्त में मुंह मोड़ लिया था तुमसे वो भी तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे याद रखना मैं तुम्हारा वक्त बदल दूंगा हमेशा खुश रहो मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी